हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, जिसके लिए मैंने ये एक बुकरम का पीस लिया है, जिसको मैंने कट कर लिया है सर्कल में, और ये मैंने दो कपड़े को कट कर लिया है। ये लाइनिंग का कपड़ा है जो हम ब्लाउज़ या कुर्ती में अंदर की साइड लगाते हैं, तो वो मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने, ये देखिए, ये मैंने लगभग 7.5 इंच का सर्कल रखा है, क्योंकि अभी हम इसमें 2 इंच के बाहर, सॉरी 1.5 इंच के फ्रिल बाहर की साइड भी अटैच करेंगे। और ये मैंने बिल्कुल तैयार जो सर्कल रखा है वो 7.5 इंच का रखा है। और जब हम इसको यहाँ से इस तरह से नापेंगे तो ये हमारा 4.5 या 5 इंच लगभग हमारा ये इसका फ्रिल का चौड़ाई होगा। तो हमने ये 5 नंबर गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है। ये पिंक कलर का नहीं है, लेकिन शायद ये पिंक दिखाई दे रहा है, ये रेड दिखाई दे रहा है। ना ही ये पिंक कलर है और ना ही ये रेड है, ये कैरेट कलर में है, थोड़ा जैसे गाजरी कलर का होता है, तो ये उस कलर में थोड़ा कपड़ा है। ये मैंने 4-4 इंच की, ये देखिए, ये मैंने 4-4 इंच की इस तरह की 6 स्ट्रिप ले ली हैं। ये मैंने पूरी पट्टी जो हमारे कपड़े की चौड़ाई है मैंने उसके हिसाब से ली, और शायद ये 52 इंच का जो है, मतलब ये नेट का जो क्लोथ है उसकी चौड़ाई जो थी 52 इंच है, तो ये मैंने इस तरह की 6 स्ट्रिप काट ली है। तो चलिए, ये तो हम बाद में यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरह से सेंटर में रख के चारों साइड सिलाई लगा लेते हैं। और इसको सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेंगे और एक साइड से कट कर लेंगे। देखिए, हमने इसमें चारों साइड सिलाई भी लगा ली है और बीच में यहाँ पे कट करके इधर की एक साइड से ओपन करके हमने इसको सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये 4-4 इंच का स्ट्रिप काटा है, अब हम पहले इनको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हम इनको सीधा सिलाई लगा लेंगे, और सीधा सिलाई लगाने के बाद हम अलग से इस तरह से बहुत ज़्यादा पास पास हम इनमें प्लेट्स डालेंगे, इनके बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए, हमें बहुत पास पास प्लेट्स डालनी है। तो चलिए, पहले हम इनको सीधा सिलाई लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पहले सीधी पट्टी पर वो सिलाई लगा ली थी और बाद में हमने इसकी इस तरह से प्लेट्स डाली हैं। देखिए, प्लेट्स हमने बहुत ज़्यादा पास पास डाली हैं, क्योंकि हमें बहुत पास पास रखना, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से राउंड में लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं दिखाई देना चाहिए। और इसको इस तरह से बनाने के बाद में हम इसी तरह की 3 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे, एक ऊपर की, एक बीच की और एक सबसे नीचे की, मतलब हमें ये 6 की 6 पट्टी की इस तरह की पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। देखिए, अब हमने जैसे ये फ्रिल बना लिए हैं, अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे रख के इसके चारों साइड इस तरह से सिलाई लगा देंगे। पहले हम ऊपर ले इसमें ये फर्स्ट वाला फ्रिल डाल के सिलाई लगा देते हैं। देखिए, हमने ये फ्रिल लगा लिए हैं। अब फ्रिल लगाने के बाद हमें इसको, हमने ये 3 इंच इसकी यहाँ से यहाँ तक की 3 इंच की चौड़ाई है, तो हमने ये 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और हमें ये पूरे पे राउंड में ही इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करना है। अब हमें इसमें सेकेंड वाला अपना फ्रिल ऐड करते हुए जाना है, जो हमें यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है उस पे से शुरू करना है, इस तरह से हम इसमें पूरे में फ्रिल लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें 2 लेयर फ्रिल की डाल ली है। अब हम इसमें, ये हमारा 2 लेयर का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, अब हम इसमें 3rd लेयर फ्रिल का और ऐड करेंगे, जो हमें यहाँ पे बिल्कुल इसमें लास्ट जो हमारा ये नीचे का जो बचा, ये सॉरी, हमने जो इसमें बुकरम ऐड की है, नीचे का जो बेस है हमारा, उसमें जो ये लास्ट है, बिल्कुल हम इसको लास्ट पे से इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। ये हमारी ट्रिपल लेयर फ्रिल ड्रेस बनेगी, तो हम इसे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे ऐसे रख के एक और फ्रिल ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ड्रेस में 3 फ्रिल डाल लिए हैं, और देखिए 3 फ्रिल डालने के बाद ड्रेस कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है। अभी हमारा नीचे का बेस ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बस अभी हमें एक पट्टी लेके यहाँ पे लगा लेनी है, जिसमें हम बाद में डोरी डालेंगे यहाँ पे बांधने के लिए। हमारे ड्रेस का बेस बिल्कुल तैयार हो गया है, बस अब हमें ये करना है
और देखिए बहुत प्यारा इसका लुक आया है। देखिए हमने प्लेट्स इसमें कितनी ज़्यादा हैवी डाली हैं, क्योंकि जितनी हैवी प्लेट्स रहेंगी लुक उतना ही ज़्यादा हैवी रहेगा। ये ड्रेस आप रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, आप किसी भी फेस्टिवल के लिए पहना, मतलब किसी भी फेस्टिवल के लिए तैयार कर सकते हैं, और ये तैयार होने के बाद बहुत प्यारी लगेगी। अभी हमें इसमें वर्क भी करना है, तो चलिए पहले हम इसमें यहाँ पर और रेब पट्टी लगा लेते हैं। देखिए मैंने ये दो पट्टी ली हैं जो रेब पट्टी रेब में है, और ये 2 इंच चौड़ी हैं और लगभग 5 इंच लंबी है। अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगा के फिर इसको हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें ये ऐड कर लिया है। अब जब हम इसमें ये डोरी डालेंगे तो ये इस तरह से बंद होके आ जाएगा। यहाँ पे डोरी डालना बस, और कुछ नहीं करना है हमें, बस डोरी डालना है। अब देखिए हमारे नीचे का फ्रिल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने ब्लाउज के लिए ये 2 इंच चौड़ी पट्टी, ये मैंने लाइनिंग के कपड़े का ही लिया है क्योंकि ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। मैंने ये 2 इंच चौड़ा लिया है और 6.5 इंच लंबी ली है। मैंने ये दो पट्टी ली है और डबल में ली है। तो अब हम इन पे दोनों साइड चारों साइड इस तरह से गोटा लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पट्टी पे दोनों साइड गोटा लगा लिया है। अब हम इसको या तो आप इस तरह से रख के इस पे यहाँ पे लगभग 2 इंच जितने पे ऐसे सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और ऊपर की साइड से हमें ओपन रखना है। या फिर आप इस तरह से रख के बस इसको इतना ही 1.5 इंच सिलाई रख के ऊपर की साइड से खुला छोड़ दीजिए। देखिए अब हम इसको सेंटर पे से इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे से इसको इस तरह से एक पट्टी लगा लेंगे, और ऐसे ही हम एक पट्टी ऊपर की साइड लगा लेंगे इस तरह से करके। हमें इनके ऊपर ऊपर की साइड से हमें एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बस इस तरह से करके यहाँ पे सीधी पट्टी लगा लेनी है। देखिए हमने इधर इस तरह से भी पूरा इस तरह से लंबे ये गोटा पट्टी लगा ली है, और ये हमने नीचे से ऐसे 1/2 इंच छोड़ते हुए और ये साइड में इस तरह से 3-3 इंच छोड़ते हुए पट्टी लगा ली है। अब जब हम इसको गोपाल जी को पहनाएंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल बनके तैयार हो गया है और नीचे का हमारा फ्रिल भी तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर पैच लगाएंगे। ये देखिए मैंने ये दो तरह के पैच बनाए हैं, और इनका सेपरेट वीडियो मैंने अभी अपने मतलब मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है। ये मैंने दो पैच उसमें भी बना के सेम दिखाए हैं। ये मैंने पिंक कलर में बनाया है और ये भी पिंक कलर में बनाया है, बट मैंने ये यहाँ पे इस ड्रेस के लिए येलो कलर में बनाया है क्योंकि ये थोड़ा गाजरी कलर है, इसके ऊपर येलो कलर बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए मैंने 6 ये वाले पैच बनाए हैं और 6 ये वाले पैच बनाए हैं, तो चलिए हम इनको लगा के रख के देख लेते हैं। ये देखिए अभी मैंने ये इस तरह से रख के देखे हैं। अब हम इनको इसी तरह से ग्लू गन की हेल्प से अटैच कर लेंगे, और ये देखिए रखने के बाद बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जब गोपाल जी ये ड्रेस पहनेंगे बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो चलिए हम इनको इसी तरह से चिपका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये सभी चिपका दिए हैं। अब हम इनके नीचे इस तरह से यहाँ पे जरकन चेन पूरे में चिपकाएंगे। बस जितना हमारा ये सब है इन्हीं के नीचे हमें जरकन चेन चिपकाना है, बाकी हमें और कहीं पर कुछ नहीं चिपकाना है। देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से इनके नीचे एक एक जरकन चेन लगाते हुए जाना है। अभी मैंने आधे पे लगा दी है, आधे पे अभी और लगाना है। अब हम इसी तरह से पूरे में जरकन चेन लगा लेंगे। देखिए हमने ये पूरे पे लगा लिया है और ये अब बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमारी पूरी ड्रेस है और ये बहुत प्यारी लग रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।